इसके ऊपर सटीक कार्रवाई करने। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जहां एक ओर रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनरेगा जैसी स्कीम कई वर्षों से क्रियान्वित कर रही है, जिसमें हर व्यक्ति को 15 दिवस के अंदर 100 दिन का रोजगार ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत चितहरा में नियमित तरीके से काम नहीं कराए जा रहे हैं और जो भी कराए जाते हैं वो मशीनों के द्वारा। चितहरा में रहने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनरेगा के तहत फर्जी मस्ट रोल तैयार करके गलत लोगों के उपस्थिति दर्ज की जाती है, जबकि जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में रहता है वह गाँव में रहता ही नहीं। गांव के आर्थिक आमदनी नहीं होने के चलते ग्रामीणों को गांव के बाहर रोजी रोटी की तलाश में जाना पड़ता है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में मनमाने तरीके से पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चितहरा में इस समय शासकीय जमीन पर नवीन तलैया के लिए पैसा पास हुआ, पर सरपंच सचिव और इंजीनियर की चल रही मनमानी से पट्टे की जमीन पर 6 फीट की मेड़ बनी हुई थी, उसी मेड़ में 2-3 फीट मिट्टी डालकर पैसा निकाल लिया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत ब्लॉक के अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन और एसडीएम के पास भी की, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मझगांव से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पराज सिंह, वार्ड 5 ग्राम चौरेही ग्राम पंचायत चितहरा। मैं जो है श्री रामेश्वर सेन द्वारा किए गए कार्यों की, मनरेगा के द्वारा किए गए कार्यों की कई जगह शिकायत किया, जिसमें एक चौरेही का तालाब है जिसमें उसके द्वारा पुराना तालाब वाटर शेड 20 वर्ष पुराना था, जिसमें उसने काम कराना शुरू किया था, जिसके द्वारा मेरे यहाँ सीईओ के द्वारा सीईओ के यहाँ शिकायत की गई, जिसमें उसका कार्य स्थगित करके उसको मास्टर जारी कर दिया गया है। और इसी प्रकार ये चौरेही के पुरान खेत का नवीन तालाब स्वीकृत था जो 14 लाख रुपये का था, जिसमें 20 मास्टर जारी किए गए हैं और लगभग 8,72,000 रुपये का भुगतान लिया गया है। और ये जो मेड़ है पुरानी बंदोबस्त की मेड़ है, काश्तकारों के नाम है, और इसमें जो है ऊपर से लीपा पोती करके और सारी राशि जो है अरहण के लिए अभी राशि जारी की जा रही है, अभी इसका भुगतान लिया जाएगा, जबकि मेरी शिकायत सीओ के यहाँ है, सीओ इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता और ये सारी शिकायतें जो है आवक जावक में फेंक देते हैं, पता नहीं कहाँ जाँच के लिए चली जाती, कैसे जाती है, इसके बारे में शिकायतकर्ता को कोई पता नहीं था। शिकायतकर्ता जब जाता है तो कहते हैं कि आप शिकायत जाँच के लिए जाइए, आप अधिकारी AEA के पास जाइए, उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, जो आप और हमसे ऊपर से ये कहते हैं कि जो आपका शिकायत निराधार है, आप झूठी शिकायत करते हैं, जबकि कोई अधिकारी आज तक जांच करने नहीं आया। मेरा ये मांग है कि ये जो जांच की जाए उच्च स्तरीय टीम गठित करके, और इस रामेश्वर सेन द्वारा जितना भ्रष्टाचार किया गया है एक एक सभी कार्यों की एकदम से पूरी जान तह तक जा करके इसकी सारी जांच जो है की जाए, और इसको भ्रष्टाचार के उसमें जो मामला दर्ज होता है उसके खिलाफ दर्ज किया, ऐसा नहीं होता तो मैं आगे लोकायुक्त आपराधिक शाखा के यहाँ जाने के लिए मजबूर हो जाऊँगा।